सुख शांति समृद्धि की वो कामना करते हैं। चाह तो है कि हम सबसे अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, चाह तो है कि मेरे बच्चों का सबसे बेहतर जीवन हो, सुरक्षित जीवन हो, लेकिन ये चाह पूरी कैसे होगी? तो हम घर से गांव से कहते हैं सबसे बेहतर जीवन को यदि जीना है और किसी युग और सदी में किसी ने जिया है या जो जी रहा है सबसे बेहतर जीवन को और सबसे सुरक्षित जीवन को यदि कोई जी रहा है सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित जीवन को, तो वो मां की निकटता में ही संभव है। सबसे बेहतर जीवन को देने वाली है मां। हमारे घर द्वार को सुरक्षित रखने वाली है मां। सबसे बेहतर और सिर्फ सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित जीवन मां की निकटता में ही है। मां एक तो जन्म देने वाली को कहा, तो जन्म देने वाली को तो दुनिया ने मां कहा, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी मान्यता है कि पालन पोषण करने वाली को भी हमने मां कहा है, जीवन देने वाली को भी हमने मां कहा है। जो जीवन देती है, जो हमारा पालन पोषण करती है, उसको भी हमने मां के रूप में पूजा है। मां मतलब एक शक्ति, और उसी के लिए गुरु और गोविंद हर युग सदी में अवतार लेता है। हम ही दुनिया में है जो इस धरती को, इस माटी को हम मां कहते हैं। कोई और दुनिया में नहीं होगा जो अपनी इस धरा को, धरती को मां कहता हो। मां के रूप में इस धरती को, इस माटी को हमने पूजा है। क्यों? कारण ये माटी हमारा पालन पोषण करती है। जन्म देने वाली से ज्यादा पालने वाली का दर्जा ऊंचा होता है। इस माटी ने हमें, हमारा पालन पोषण किया और अभी तक कर रही है, और इसी माटी, इसी धरती के लिए वो कृष्ण का अवतार होता है, कृष्ण का अवतार होता है। ये वही यमुना के तीर्थ क्षेत्र के वो असाधारण गांव हैं, ये वही यमुना के पथ हैं जिस पथ पर कृष्ण ने लीला की है और सारी दुनिया को बताया है। हम रोज कहते हैं कि देखो, हम कृष्ण का चिंतन करते हैं, हम कृष्ण का चरित्र का हम चिंतन करते हैं, हम भगवान कृष्ण को मानने वाले हैं, हम भगवान श्री राम को मानने वाले हैं। ये धरा को पावन किया मेरे प्रभु राम ने, इस धरा को पावन किया मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने। वो आए, ये वही यमुना के पथ है जहां कृष्ण की लीला हुई, ये वही यमुना के पथ के गांव है जहां भगवान के चरण पड़ते हैं।